हमने नया चश्मा खरीदा है, अब उन्हें आसपास का सब कुछ नजर आता है। अब हमें चालाकी और सावधानी से खाना क्लास में लेकर जाना होगा, पर हमारे पास कुछ नए तरीके हैं टीचर को बुद्धू बनाने के। ये क्लास बहुत बोरिंग है, मुझे तो बहुत नींद आ रही है। मिसेस स्मिथ की नॉकिंग की आवाज से एकदम से हम दोनों उठ गए। चलो अब लिखने की एक्टिंग करनी पड़ेगी। एक कप का इस्तेमाल करें कैंडीज को छुपाने। हमें कुछ पेंस और पेंसिल्स की जरूरत है, साथ ही कुछ वेफर स्टिक्स भी। एक लंबी कैंडी को दो हिस्सों में तोड़ दें। कैंडीज को कप के अंदर रख दें, बाकी स्कूल के सामान के साथ। मिसेस स्मिथ अपनी राइटिंग्स के साथ बिजी हैं। चलो कैंडीज को कप से बाहर निकालते हैं। इसका स्वाद बिल्कुल कैपुचिनो की तरह है। अरे मिस स्मिथ हमें ही देख रही है, चलो इससे लिखने का दिखावा करते हैं। मैंने अपनी सहेली को एक शॉर्पनर दिया, पर उसे इसकी जरूरत नहीं, पेंसिल पहले से ही छीली हुई है। अरे बुद्धू लड़की, यह पेंसिल के लिए नहीं, तुम्हारे लिए है। एक बड़े कंटेनर वाले शॉर्पनर में कुछ पिंक कैंडी ड्रॉप्स डालें। मैंने ये बात अपनी सहेली को बताई, कैंडीज को इसके अंदर रखो, अब इसे हम आसानी से क्लास के दौरान खा सकते हैं। मिस स्मिथ मैगजीन पढ़ रही है, यह बिल्कुल सही समय है कैंडीज खाने का। नोट पेपर क्लास के लिए बहुत जरूरी है। हमें एक चौकोर आकार का पेपर होल्डर चाहिए। चपटी आकार की कुकीज को पेपर होल्डर के अंदर इस प्रकार रखें। अगर आप बोर हो रहे हो तब पेपर अटैक शुरू कर सकते हैं पेपर बॉम्ब की मदद से। उप्स, मेरा पेपर मिसेस स्मिथ के सर पर जाकर लगा। बदले में एक चौक भी मेरी तरफ आया। इस पेपर होल्डर के अब इस पेपर अटैक के बाद चलो कुछ कुकीज खाते हैं और एनर्जी बढ़ाते हैं अगली क्लासेस के लिए। यह नोटबुक कितनी सुंदर है, इसे एक हथियार समझिए क्लास में खाना ले जाने का। हमें रंगीन कागज चाहिए, इन्हें काट लीजिए, पेजेस को एक साथ रखें, स्केल और क्राफ्ट नाइफ की मदद से इसे सही आकार दें। जिपलॉक बैग को काट लीजिए, कुछ ऐसे ही जिपलॉक्स बनाएं। फेल्ट से नोटबुक का कवर बनाएं। नोटबुक पर होल्स बनाएं। होल्स को पंच कर दें। पेजेस को कवर के अंदर रखें और होल्स बनाकर पेजेस को भी पंच करें। जिपलॉक बैग्स को भी इसी तरह पंच करें, इन्हें भी रंगीन कागज के साथ रख दें। नोटबुक को रिबन की मदद से जोड़ें। नोटबुक के कवर को सजाएं। तस्वीरों को काटकर गोंद की मदद से चिपका दें। हमारी सीक्रेट जिपलॉक वाली नोटबुक तैयार है। मैंने अपनी सहेली को यह DIY नोटबुक दिखाई, पर उसे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं। ये देखो, इसमें कोई खास चीज है। अरे वाह, ये तो सॉसेजेस और चीज स्लाइस है, मुझे यह खाना है। पर मेरी सहेली नहीं दे रही। मैंने चुपके से सॉसेज का पीस निकाल कर खा लिया। मिस स्मिथ को पता न लग जाए खाने की खुशबू से। मेरे पास कुछ गोल्ड फिश क्रैकल्स हैं ग्लू स्टिक कंटेनर में। ग्लू स्टिक कंटेनर को अच्छे से साफ कर लें। एक गोल आकार का पेपर काट लें। इसके बीच एक होल कर दें। अब इसे कंटेनर में डाल दें। इसे ट्विस्ट करें। अब इसमें फिश स्नैक्स डालें। फिशेस कंटेनर में चली गईं। अब यह ग्लू स्टिक फिश क्रैकर से भर गई है। यह अच्छा तरीका है क्लास में भूख मिटाने का। क्लास के दौरान फिशेस बाहर गिर गईं और मिसेस स्मिथ ने देख लिया। ओह, क्लास में फ्राइज अलाउड नहीं। हमारे इस फिश इंस्पेक्टर ने तो सारी फिशेस ले ली। इसका मतलब यह नहीं मिस स्मिथ फिशेस का ध्यान नहीं रखेंगी। मिस स्मिथ एक विशाल शार्क मछली है ज्ञान के समंदर में। मिस स्मिथ को फिश स्टिक्स बहुत अच्छे लगते हैं, उन्होंने हमारे सारे खा लिए। यही नहीं, मिस स्मिथ ने हमारे मार्कर्स भी ले लिए, उन्हें लगा मार्कर्स खाने लायक है। पर इस बार कुछ भी नहीं खाया जा सकता। मिस स्मिथ तो मौज कर रही हैं, वे अपनी रोलिंग चेयर पर सवार होकर रेस लगा रहे हैं क्लास में।
इसका मतलब ये है कि हम ब्रेक ले सकते हैं। फैंटा को एक साफ स्टेशनरी ग्लू की बोतल में डालें, इस पर ढक्कन लगा दें। इसके ढक्कन को ट्विस्ट करें। एक स्टेशनरी ग्लू नहीं, यह एक मीठी सी ड्रिंक है। मैंने पेन लेने के चक्कर में अपनी सहेली की ग्लू गिरा दी। उसने एकदम से बोतल उठाई और उसे पीने लग गई। इसे क्या हो गया? क्या तुम पढ़ पढ़ कर पागल हो गई हो? नहीं, मैंने इसे फैंटा से बदल दिया है। मुझे मैक्रॉन्स बहुत पसंद है। मिस स्मिथ तो अपनी प्राइवेट पार्टी में खो गई हैं। उन्हें बेल भी नहीं सुनाई थी। हमें यह मौका छोड़ना नहीं चाहिए। मेरे पास एक स्वादिष्ट मैक्रॉन है। मेरी सहेली को भी यही चाहिए। मैंने इसे एक मैक्रॉन जैसा दिखने वाला शॉर्पनर दिया। एक क्ले के टुकड़े को गोलाकार दें। अब इसे चपटा कर लें। शार्पनर के ढक्कन को क्ले से रैप कर दें। इसे दबाएं। फालतू क्ले को काट लें। इसके निचले हिस्से को भी क्ले से ढक दें। पेंसिल होल बनाएं। फालतू क्ले को कैंची की मदद से काट लें। कंटेनर पर इस प्रकार गोंद लगाएं। कैंची की मदद से इसे सही आकार दें। गोंद पर पेंट कर दें और इसे क्रीम की तरह दिखाएं। अब इन दोनों को जोड़ दें। अब यह एक नकली मैक्रॉन बन गया है। मेरी सहेली ने यह शार्पनर लिया। उसे पता लग गया कि यह नकली है। ध्यान से मिस स्मिथ हमें ही देख रही हैं। उन्हें भी केक्स बहुत पसंद है। हम उन्हें एक नकली मैक्रॉन दे सकते हैं। मैंने अपना स्वादिष्ट DIY सैंडविच केस अपनी दोस्त को दिया। अरे इसे खाना मत। चलिए एक सैंडविच बनाते हैं। ब्रेड से शुरुआत करते हैं। एक चौड़ी फेल्ट की स्ट्रिप को आधा काट लें और चौकोरा काट दें। इसे काट लीजिए। कोनों पर गोंद लगाएं। अब इसे उल्टा कर दें जोड़ को छुपाने के लिए। इसे उभरा हुआ दिखाने के लिए एक स्पॉन्ज की लेयर डालें। इसके कोनों को फोल्ड कर लें और गोंद लगा दें। ऐसा एक और भी बनाएं। चलिए लेटस बनाते हैं। इसके लिए हमें 3 हल्के हरे रंग के फेल्ट चाहिए। इसके कोनों को गोलाकार दें। अब इसे इस प्रकार मोड़ें और लेटस को आकार दें। इसमें कुछ टमाटर स्लाइसेस डालें। लाल रंग के फेल्ट स्ट्रिप को फोल्ड करें। इसे गोलाकार में काटें। चलिए सैंडविच पूरा करते हैं। लेटस को एक स्लाइस के ऊपर रखें। इसे गोंद लगा दें। इसकी एक तरफ पर गोंद ना लगाएं। टमाटर और बाकी चीजों को इसके ऊपर लगाएं। अब हमारे पास 3 पॉकेट्स वाला सैंडविच केस है। इसमें अपने स्कूल का सामान डालें। मेरी सहेली ने यह पेंसिल केस लिया। यह बिल्कुल असली सैंडविच जैसा लग रहा है। मैंने अपना असली खाना बाहर निकाला। मिस स्मिथ की नजर हम पर ही है। हमने उनसे बचने के लिए नकली सैंडविच को इस्तेमाल करा। मैंने अपना पेंसिल केस अपनी सहेली को दिया। उसने एक पेन उठाया। अरे नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। ये बहुत मजेदार पेंसिल होल्डर है। हमें 3 ड्रॉर वाला पेंसिल होल्डर चाहिए। इसे खाने के सामान से भर दे। M&M को निचले ड्रॉर में डाले, कुकीज को बीच के ड्रॉर में डाले और स्किटल्स को सबसे ऊपर। पेंस और पेंसिल को होल्डर में रखें। किसी को यह पता नहीं लगेगा कि इस पेंसिल केस में खाना भी हो सकता है। मैंने अपनी सहेली को यह खुफिया चीज दिखाई। स्वादिष्ट कैंडीज तो जल्दी खत्म हो गई। कोई बात नहीं, इसमें बहुत कुछ है आज के लिए। काश मिस स्मिथ भी ये खा सकती। उन्हें मीठा बहुत पसंद है। मुझे फ्लूइड चाहिए अपनी गलती को ठीक करने के लिए। मैं अपनी दोस्त से ले लेती हूँ। फ्लूइड की साफ बोतल में जैम डालें। मैं इसे इस्तेमाल कर ही रही थी कि मेरी दोस्त ने फिश स्टिक्स को नीचे रख दिया। अरे ये तो जैम है। मेरी दोस्त को एक ब्रश चाहिए। उसने कप से कुकी स्टिक्स निकाली। ब्रश को एक प्लास्टिक कप में डालें। उसमें कुछ चॉकलेट कुकी स्टिक्स भी डालें। उन्हें उल्टा करके कप में रखें। ब्रशेस और चॉकलेट बिल्कुल एक जैसे लग रहे हैं। कप को डेकोरेट करें। एक ड्रॉप पैटर्न के पेपर को लीजिए। इसे कप के अंदर रखें। इस पर ढक्कन लगा दें। कुकी स्टिक्स अब नहीं दिख रही। मेरी दोस्त ब्रश को खाने की एक्टिंग कर रही है और उसने एक बाइट चबाई। हम इसे पेंट तो नहीं कर सकते, पर खा जरूर सकते हैं।
मेरे पेन से कुछ आवाज आ रही है, मुझे लग रहा है इसमें कुछ खास स्नैक है। रिफिल को पेन से बाहर निकाले, टिक टैक को इसमें डाले। मैंने पेन को खोला टिक टैक निकालने के लिए। अरे ये क्या कर दिया मैंने, ये सारी नीचे गिर गयी। उप्स, मिस स्मिथ का तो पैर स्लिप हो गया। हम फॉल इन रोमन एम्पायर के बारे में पढ़ रहे हैं, मिस स्मिथ की एपिक फॉल। सॉरी ये अचानक हुआ। क्या आपको ये तरीके पसंद आए? हमें कमेंट्स में लिखकर बताएं कि आप कौन सा तरीका इस्तेमाल करेंगे। लाइक बटन को दबाएं, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल को दबाएं हमारी नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।